हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिलीशियस पटना एंड ब्लॉग्स में। इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू हो, तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। आज हम लोग बनाएंगे अंडे की करी बिल्कुल देसी स्टाइल में, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक कटी हुई प्याज, आधी कटी हुई टमाटर, एक हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां और एक हरी लहसुन को डालकर इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। याद रहे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो देखिए पेस्ट बनके एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसके मसाले को तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसका अच्छी तरह से घोल बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह फ्रेंड्स। अब आते हैं अंडे की प्रोसेस की तरफ। अंडे को बीच में इस तरह से कट करेंगे और फिर उसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से मिला लिया है। कढ़ाई को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम करके उसमें 3-4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब उसमें अंडे को आहिस्ता से डालकर उसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से पलट करके फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने इसे कुछ इस तरीके से फ्राई किया है, आप भी इसे इस तरीके से फ्राई करके निकाल लें। अब बचे हुए ऑयल में 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून पंचफोरन डाल करके इसे ब्राउन करके इसमें 3 मीडियम साइज प्याज डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिला करके फ्राई कर लेंगे। प्याज के हल्के ब्राउन होने के बाद जो हमने ग्राइंड पेस्ट रखा था उसको कढ़ाई में डाल करके अच्छे से मिलाएंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब प्याज से कच्चीपन की स्मेल चली जाए और प्याज कढ़ाई में सकने लगे तब फ्लेम को लो कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और फिर उसे 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे वो मसाले जो हमने तैयार करके रखे थे। अब इस मसाले को प्याज में मिला करके फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, आप चाहे तो और पानी ले सकते हैं, और फिर इसके उबाल आने का वेट करेंगे। अब ऐसा उबाल आने के बाद सारे अंडे को एक एक करके इसमें डालेंगे। और इसे धीरे धीरे चलाएंगे। अब इसे ढक करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। तो गाइस ये थी मेरी अंडा करी की रेसिपी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।